उत्तराखंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीएम धामी ने 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर धामी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, पर्यावरण प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी बैलेंस बनाते हुए सरकार काम कर रही है। स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में 30 बसें आज कुल हो गई हैं। पहले से 20 बसें चल रही थी, 10 बसों को आज फिर इस बेड़े में शामिल हो गई हैं। इनके शामिल होने से लोगों की यात्रा आसान होगी, सरल होगी, सुरक्षित होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये इलेक्ट्रिक बसें बहुत कारगर सिद्ध होंगी, जो आज के समय में पर्यावरण दूषित होना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है हेल्थ के लिहाज से, अन्य लिहाज से। तो उस दिशा में भी ये एक जो हमारा मॉडल है उत्तराखंड राज्य का भी, कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में हम संतुलन बनाएं और विकास को आगे बढ़ाएं, तो उस दिशा में ये दोनों में संतुलन करते हुए जहां लोगों के लिए सुविधा देगी, लोगों का आवागमन सरल बनाएगी, वहीं प्रकृति का संतुलन का काम भी करेगी। जो पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बसें हैं, अब आप देखिए न तो ये आवाज़ कर रही हैं और प्रदूषण की दृष्टि से बहुत लाभदायी हैं। इसका मतलब मान के चलिए कि ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम पे इससे राजस्व की भी बड़ी बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कह सकता हूँ स्मार्ट सिटी के जो काम हैं अब आप तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।